मैं अपने दिन की शुरुआत सबसे पहले प्रकृति का, सृष्टि का जो चक्र चलाते हैं, सूर्य देवता को नमस्कार करके। इसके बाद मैं अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग लेता हूँ उनके पैर छू करके। ये पैर छूने की जो परंपरा है हमारी भारतीय संस्कृति में, मुझे अपने पेरेंट्सों से ही विरासत में मिली है। इसके बाद मैं अपने दिन की शुरुआत एक कप चाय के साथ शुरू करता हूँ। मेरा नाम भीम सिंह राणा, मेरा जन्म स्थान भी गांव बहनेरा है और इतिहास के मुताबिक इस गांव का जो फाउंडर हैं हमारे पूर्वज ही रहे हैं। बेसिकली यहाँ हमारा जो परिवार है, किसान परिवार से हूँ मैं। खेतीबाड़ी करना, जानवरों को, गाय भैंस वगैरह को दूध के लिए रखना, ये हमारे परिवार की परंपरा रही है शुरू से ही। प्रकृति से जुड़ा रहने के लिए मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की है, जिससे अन्य जो किसान हैं वो इंस्पायर हो सकें और वो भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। फिर इसके बाद मुझे मौका मिला प्रकृति के और नजदीक जाने का। ये मेरे अंदर एक टीस थी कि प्रकृति से और कैसे अंदर जाया जाए या उनसे मिला जाए। तो मुझे केवला देव नेशनल पार्क में कार्य करने का एज ए नेचुरलिस्ट के रूप में, यानी नेचर गाइड के रूप में मौका मिला मुझे। मेरा जीवन बदल दिया इस पार्क ने, क्योंकि 2000 में मैंने लाइसेंस लिया, फिर मैं ऐसे नेचुरलिस्ट के लिए यहाँ एंगेज किया गया, ग्रुप के साथ यहाँ आया हुआ था। तो संयोग बस वर्ल्ड वाइड एडवेंचर से मिस्टर मनोज जी से मेरी मुलाकात हुई यहाँ। तो उन्होंने यूँ ही पूछा कि आप लोग गाइडिंग का काम करते हो, तो क्यों ना अपनी कंपनी के साथ भी काम करना चाहोगे। तो सहर्ष मैंने स्वीकार किया कि ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा ही सौभाग्य का समय है जो वर्ल्ड वाइड एडवेंचर के साथ कार्य करना चाहूँगा। फिर वो दिन और आज का दिन मेरी लाइफ ही बदल गई। तो वहाँ पर मैं बाकी अपने आप को धन्य मानता हूँ कि प्रकृति से जुड़ करके मैंने पक्षियों के बारे में, जानवरों के बारे में मुझे जानने का और लोगों को बताने का मौका मिला। तो समाज को मुझे कुछ देना है, इसलिए मैंने 97 जुलाई को मैंने इस क्षेत्र में विद्यालय खोल दिया। मेरा एक टर्निंग पॉइंट आया, तो मैं वर्ल्ड वाइड एडवेंचर से मेरा संपर्क हुआ, तो वो मेरे जीवन में और इस विद्यालय के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने यहाँ आकर के विद्यालय को सपोर्ट किया, जिससे समाज का उद्धार हो सके। हमारी बच्चियाँ जो हैं खुले में वॉशरूम जाती थी, तो उन्होंने लड़कियों के लिए गर्ल्स टॉयलेट 2017 में एक प्रोजेक्ट लेकर के आए और उन बच्चियों के लिए यहाँ पर वॉशरूम तैयार कराया। मेरा एक ही ड्रीम है कि इस ग्रामीण अंचल के जितने भी बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो इस विद्यालय में आएं और अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, और यहाँ से एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद इस विद्यालय की डोर स्टेप को पार करें, दहलीज को पार करें, तो उसके पंख खुल जाएं और इस दुनिया में अपना नाम रोशन करें और अपना भविष्य सुरक्षित रखें। यही मेरा सपना है। एक जिम्मेदारी हमारी और बढ़ गई जब हमें लगा कि समाज में हमारे जो आसपास के एक दो गांव हैं उनमें स्वच्छ जल पीने के लिए नहीं था और मीठा पानी भी नहीं था। तो इस वाटर टैंक से यहाँ के जो पड़ोसी गांव हैं वहाँ से औरतें यहाँ आती हैं और स्वच्छ जल यहाँ से लेकर के जाती हैं, तो वो भी सराहना करती हैं WWA परिवार की। तो उन्हें भी स्वच्छ पानी मिलता है, उनके परिवार के लिए भी स्वच्छ और मीठा पानी मिलना शुरू हो गया है। तो ये भी हमारी जो जिम्मेदारी थी समाज के प्रति वो पूरी हुई है। मैंने जो है अपने जीवन में एक किसान के रूप में अपना जीवन शुरू किया, इसके बाद एक टीचर के रूप में, जिससे समाज में सुधार हो सके हमने विद्यालय खोला। देन नेचुरलिस्ट के रूप में कार्य शुरू किया, तो वर्ल्ड वाइड एडवेंचर का परिवार का मैं हिस्सा बना।
तो ये तीनों ही भूमिकाएं मैं अपने जीवन में धन्य मानता हूं कि ये मेरे को मौका मिला।